की रफ्तार। अरे गाड़ी पहचाना कि नहीं? कौन हो भाई तुम? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। कैसे पहचानोगे? बड़े नेता जो बन गए। शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, इसलिए तुम्हारी जानकारी के लिए मैं फिर से एक बार बता देता हूं। मेरा नाम नंदू। डीएम साहब वो तो याद है ना? डीएम साहब का मैं ड्राइवर। कह रहे थे कि भाई जरा जाके देखो हमारा बिहारी आगे बढ़ रहा है या नहीं। बिहारी भले ही डीएम साहब तुम्हारे मुंह पर गाली बक देते हो, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। डीएम साहब तो कह रहे थे कि एक दिन ये बहुत बड़ा नेता बनेगा। यूनियन लीडर बनने के लिए उन्होंने डीएम साहब के पैर छुए, उनसे पैसे भी लिए हड़ताल जलाने के लिए। अब बिनाना की कुर्सी तुम छीनना चाहते हो, ये बात डीएम साहब को अच्छी लगी, इसलिए तो उन्होंने तुम्हें सपोर्ट किया। तुम अच्छे पॉलिटिशियन, बल्कि डीएम साहब ये भी कह रहे थे कि बिहारी जैसा मजदूरों को कुचलाने वाला, बहकाने वाला और हमारे ताल पर नाचने वाला इस शहर में ही नहीं पूरे देश में ढूंढ कर नहीं मिल सकता। वाह भैया, क्या तकदीर पाई है तुमने। क्या बक रहे हो, पागल हो गए तुम? हुनर की तारीफ कर रहा था। क्या खेल खेला है तुमने। वाह वाह, भागो मत, दबाओ जाओ यहां से। रुक जाओ नंदू। यार ये नंदू जो कह रहा है वो सब सच है। पागल हुआ यार? ए, ये पागल नहीं, हम लोग पागल हैं जो तुम्हारी बातों में आ गए। यादव भाई, तुमने इस हड़ताल के लिए डीएम साहब से पैसे लिया है? नहीं दादा, कमाल है, सारे पैसे तुमने अकेले ही दिए नहीं? अच्छा, तो तुम खेल खेल रहे थे हमारे साथ। तू अभी नहीं बचेगा। नहीं संजय, नहीं दादा, नहीं। बिहारी चाचा, नहीं दादा, नहीं।
हमारा जान मिलेगी हम इससे आज हमारी भूख से खिलाए अगर मार रहा है तो पहले मुझे मारो क्या तुम सब लोग यहां से चले जाओ जाओ कौन शय और ये मात मधुकर हमेशा की तरह हमने तुम्हें फिर मात दे दी क्या बात है हुजूर क्या बात है आपकी भी ये क्या हुआ बिहारी तुम्हें ये मेरे फटे हुए कपड़े हैं और ये मैं हूं तुम्हारी ये हालत किसने की आपके उस दो कौड़ी के ड्राइवर नंदू ने नंदू ने मेरे ड्राइवर ने हाँ हाँ नंदू ने अरे कहाँ है वो जिंदा नहीं छोड़ूंगा साहब जी मैं उसे मेरी जिंदगी भर के अरमानों को मिट्टी में मिला दिया साहब जी आपके के किराए पर पानी फेर दिया अरे ड्राइवर नहीं है दुश्मन है वो आपका उत्तेजित मत हो साफ साफ बताओ क्या हुआ बाजी हम जीत चुके थे साहब जी मगर वो नंदू वहां मजदूरों की बस्ती में पहुंच गया आपका सारा भांडा फोड़ दिया उसने कहा कि आपने मुझे हड़ताल शुरू करने के लिए पैसा दिया है मैं दीनानाथ की कुर्ती छीनना चाहता हूं बर्बाद कर दिया साहब जी अरे मजदूरों ने मुझे कुत्ते की तरह मारा है साहब जी लेकिन नंदू तो सुबह से यहीं था आइए नंदू जी आइए 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 देखिए हुजूर नंदू तो एक जादूगर है हुजूर क्योंकि एक ही वक्त में ये पूना में भी होता है और अपने घर में भी आज ये यहां भी था और उसके बाद बस्ती में भी इससे पूछिए हुजूर कि दो घंटे पहले ये आपसे कह के गया था कि मैं आरती के लिए जा रहा हूं कहां से आया है ये कमीना वहां गया था बस्ती में और मैं इसे चिंता नहीं छोड़ूंगा साहब जी बेटा कह रहा तुम बस्ती गए थे बस्ती के बगल में मैं रहता हूँ बस्ती में गणपति जी बैठे हैं तो उनके दर्शन करने के लिए मैं वहां चला गया दर्शन करने गया था तू दर्शन करने गया था या मजदूरों को भड़काने गया था तू मैं उन्हें क्यों भड़काऊं सच बता दो सर बस्ती में ये मुझे पहचान नहीं रहा था इसकी याददाश्त कमजोर हो गई थी मुझे आपका नाम लेना पड़ा मैंने कहा मैं डीएम साहब का ड्राइवर नंदू हूं आधे मिनट बाद इसके बावजूद मैं इसकी जीत में शामिल हुआ उसे मैंने बधाई तक दी ये बधाई दिलवाई है तूने मुझे ये बधाई दिलवाई है यारी नंदू हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहेंगे कि तुमने बस्ती वालों से क्या कहा
जो आपने मुझसे कहा कि ये मजदूरों ये तुम्हारा भाई एक दिन एक बड़ा नेता बनने वाला है। आपकी कसम नाटक करता है होता है ड्रामा करता है। चार गुना महंगा साबित होता है समझा। नंदू तुम्हारी मां ने जो तुम्हें घटिया संस्कार दिए हैं ये उसी का नतीजा है। मेरी मां के बारे में कभी कुछ मत कहना डियर। के रिश्ते ने आज मुझे रोक दिया टीम साहब। देखो नंदू सड़क पर घूमने वाले कुत्ते के साथ डीएम साहब कोई रिश्ता नहीं रखते। उसे घर में रखते हैं जैसे तुम्हें बना दिए है। नंदू मधुकर किस रिश्ते की बात कर रहे हो? एक मालिक और एक नौकर का रिश्ता। तुम नौकर हो नहीं थे। अब तुम इस लायक भी नहीं हो कि हमारे ड्राइवर कहलाओ। निकल जाओ यहां से। गेट आउट। किया साहब जी साले को बाहर निकाल दिया लेकिन अब मेरा क्या होगा साहब जी? मेरे बारे में सोचिए। बस्ती वाले तो अब मुझे बाहर निकाल देंगे साहब जी। बिहारी रुपयों में बड़ी ताकत होती है। खाली पेट की आग जब दिमाग तक पहुंचती है तो आदमी पागल हो जाता है। उस पागलपन का इलाज है भरा हुआ पेट और पेट भरने के लिए रुपयों की जरूरत होती है। तुम्हारा लीडर बने रहना बहुत जरूरी है। मधुकर जी दिवाकर से कहो कि इसे रुपए दे दे। जी बहुत अच्छा। नंदू तूने सचमुच उन पर हाथ उठाया? मां वो कोई ऐसा बाप नहीं कि जिसके पैरों पर माथा रखा जाए। हाँ लेकिन अगर मेरे केस से तुम्हें दुख पहुंच रहा है तो मैं तुमसे माफी चाहता हूं। मुझे दुख हो रहा है
अगर अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो, वरना मुझे कोई पछतावा नहीं, कोई अपराध की भावना नहीं। नंदू, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि एक बेटे ने अपने बाप पर हाथ उठाया, ये तो वक्त का तमाचा है उस बाप के मुंह पर। लेकिन मुझे तो इस बात की फिक्र हो रही है कि तुमने जो कसम उठा रखी है उसका क्या होगा, तुम्हारे उस मकसद का क्या होगा अगर तुम ही उसके साथ नहीं रहे तो। हाँ, जल्द ही वो खुद मुझे वापस बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे मां? उनके कितने ही राज मैं जानता हूं, वो मुझे अपने आप से दूर करने की बेवकूफी हरगिज नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है अगर वो मेरी जान ले ले तो। नहीं नंदू, ऐसी बात फिर कभी मत करना। तुझे पता नहीं किस तरह पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है तुझे, इसलिए ऐसी बात फिर कभी मत करना नंदू, फिर कभी मत करना। माँ, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं करूंगा।